नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। 12 सितंबर को सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, इसलिए उनके पार्थिव शव को वहां पर ले जाया गया ताकि वहां पर छात्र उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। हालांकि सीताराम येचुरी के निधन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे शेयर किए जाने लगे। सबसे पहले तो ये विजुअल शेयर करते हुए दावा किया गया कि सीताराम येचुरी ईसाई थे। ऋषि बागरी ने भी ये तस्वीरें ट्वीट की और साथ में लिखा कि सीताराम येचुरी इसलिए ये हिंदू धर्म से नफरत करते थे क्योंकि वो ईसाई थे। ये दावा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहरहाल ये दावा गलत है। साल 2017 में राज्यसभा में भाषण देते हुए सीताराम येचुरी ने अपने बारे में ये बातें कही थी। आई एम बोर्न इन द मद्रास जनरल हॉस्पिटल, नाउ कॉल्ड चेन्नई, द जनरल हॉस्पिटल मद्रास, टू ए तेलुगु स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली। माई ग्रैंड फादर बींग ए जज स्टेज रीऑर्गनाइजेशन द आंध्रा बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास मूव्स टू गुंटूर, सो वी शिफ्ट देयर इन 54। I'm born in 52, shift to Hyderabad in 56. My school education is in an Islamic culture that was prevalent in Hyderabad under the Nizam rule in early days of independence of 56. Hamari taleem to wahi hui sir, main wahi ab usi taleem ke saath main aaunga, then come to Delhi, study here. I'm married to a person whose father is a Sufi of the Islamic order whose surname is the Chishti Sufis, whose mother is a Rajput, but a Mysorean Rajput who migrated there in the 8th century AD. We are now in the 21st century. She is the daughter of these two, father and mother, a South Indian Brahmin born family, married to this lady. What will my son be known as, sir? What is he? Is he a Brahmin? Is he a Brahmin? Is he a Muslim? Is he a Hindu? Is he what? There is nothing that can describe my son rather than being an Indian. That is our country. That is my, I'm talking of my example. Just look at how many such people are there. बहरहाल कई मौकों पर उन्होंने खुद को नास्तिक बताया था। पश्चिम बंगाल सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने ऑल्ट न्यूज के साथ हुई बातचीत के दौरान वायरल दावों का खंडन करते हुए इसे हर चीज को सिर्फ धर्म से जोड़ने की कोशिश बताया। ऑल्ट न्यूज ने एम्स दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा से बात की। उन्होंने बताया कि सीताराम येचुरी के परिवार ने उनके शव को मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट किया था और इसलिए उनके शव को संरक्षित करने के लिए उसमें तरल पदार्थ इंजेक्ट किया गया था। इसी तरह ये तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा चलाया गया कि एम्स दिल्ली में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स ने सीताराम येचुरी को ऐसे अंतिम विदाई दी। वहीं बंगाली दैनिक और सीपीआईएम माउथपीस गणशक्ति ने 17 सितंबर को ये तस्वीर ऐसे ही क्लेम के साथ अखबार में पब्लिश की। एनडीटीवी से जुड़ी पत्रकार गार्गी रावत ने भी ये तस्वीर ऐसे ही क्लेम के साथ पोस्ट की। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने इस कथित तस्वीर के बारे में छानबीन शुरू की। हमें ये तस्वीर 30 सितंबर 2016 के चीनी मीडिया आउटलेट CGTN के इस आर्टिकल में मिली। यहाँ ये बात तो आईने की तरह साफ हो जाती है कि ये कथित तस्वीर सीताराम येचुरी के निधन से जुड़ी हुई नहीं है। आर्टिकल में बताया गया है कि 41 वर्षीय जाओ झू की मौत के बाद बाकी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने उन्हें इस तरीके से श्रद्धांजलि दी थी। दरअसल जाओ की अंतिम इच्छा को मानते हुए उनके परिवार ने उनकी किडनी, लीवर और कॉर्निया को डोनेट किया था। CGTN ने इस मौके की ये तस्वीरें भी फेसबुक पर पोस्ट की थी। बाद में गणशक्ति ने 18 सितंबर को ये क्लेरिफिकेशन पोस्ट किया था जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपने आगे के अंक में गलत तस्वीर पब्लिश की थी।